फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। मेरे कई व्यूअर्स कह रहे हैं कि उनको अपडेट्स नहीं मिलते हैं मेरे न्यू वीडियोस की, लेकिन इसकी ये वजह होगी या तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया या बेल नोटिफिकेशन प्रेस नहीं किया। जरा आप चेक कर ले, मेरे वीडियोस रेगुलरली आते हैं, आपको अपडेट्स ज़रूर मिलने चाहिए अगर आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और सब्सक्राइब करें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए इस वक्त क्या फीलिंग है। गुस्सा है, नफरत है या बेशुमार आपके लिए प्यार है। दो पाइल्स बनेंगी फ्रेंड्स आपके लिए। पाइल वन पे है ये गोल्डन चेन और पाइल टू पे है ये गोल्डन ब्रेसलेट। आपके पर्सन के दिल में आपके लिए इस वक्त बहुत ज्यादा प्यार है या बहुत ज्यादा नफरत। नफरत से ज्यादा मैं कहूंगी गुस्सा, क्योंकि नफरत तो कोई नहीं करता इतना प्यार करने के बाद। गुस्सा हो सकता है, लेकिन वो तो जब कार्ड्स खुलेंगे तभी रियलाइज़ होगा हमें कि उनके दिल में एक्चुअली आपके लिए इस वक्त कौन सी फीलिंग्स है। तो अपनी पाइल को सिलेक्ट कर ले। पाइल वन में जैसे कि मैंने बताया गोल्ड चेन है और पाइल टू पे है गोल्डन ब्रेसलेट। आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली है, इसलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल वन गोल्डन चेन के साथ। आइए देखते हैं आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर क्या है। माय गॉड, जजमेंट और जस्टिस कार्ड, टावर कार्ड। तो फ्रेंड्स, अगर हम कार्ड्स को देख लेते हैं तो आपको बहुत कुछ खुद ही समझ आ जाएगा मेरे कहने के पहले कि बहुत ज़्यादा गुस्सा है। टावर कार्ड है, जजमेंट कार्ड है, जस्टिस कार्ड है। आपके पर्सन को आपके लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा है। उनके दिल में इतनी एंगर या मैं कह सकती हूँ कि हेट्रेड भरी हुई है कि जिसका कोई जवाब नहीं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है आपको ये कहना, लेकिन यही हकीकत है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से से भरे हैं। और कहीं ना कहीं मेरे को ये फील हो रहा है कि उनको ये लगता है कि आपने उनको बहुत ज़्यादा निग्लेक्ट किया है। अपनी इतनी ज़्यादा आप अपनी मसरूफियत में बिज़ी रहे, अपनी दूसरी कमिटमेंट्स को लेकर इतने ज़्यादा बिजी रहे कि आपने उनको वक्त ही नहीं दिया। आपको बहुत हद तक वो ईगोइस्टिक भी समझते हैं। आपने अपने ईगो के चलते, अपनी दूसरी जिम्मेदारियों के चलते उनको बहुत निग्लेक्ट किया है, ऐसा उनको लगता है। जो वक्त और प्यार और तवज्जो आपको उन पे देनी चाहिए थी आपने उन पे नहीं की। गुस्से से वो भरे हुए हैं, हेट्रेड से वो भरे हुए हैं और कहीं ना कहीं कुछ जेलसी का भी एलिमेंट मुझे फील होता है। एक मामूली सी एक जेलसी का भी एलिमेंट है आपके लिए उनको, क्योंकि उनको ये फील हुआ, ये जेलसी भी प्यार का ही रिजल्ट है कि आपने उन पे अटेंशन नहीं दी, आपने और चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया, आप ईगो के चलते बहुत ज़्यादा उनको वक्त नहीं देते थे, आप अपने ईगो में रहे। कुछ बातों को लेकर आप दोनों में ऐसे कोई इश्यूज हुए होंगे जिसकी वजह से वो आपसे नाराज़ हैं। आपसे नफरत तो बहुत सही वर्ड नहीं है, लेकिन हाँ, नाराज़गी लंबे वक्त तक रहे तो नफरत में बदल सकती है। टावर कार्ड, जजमेंट, जस्टिस, जो आसार है ना इस रिलेशनशिप के, मुझे ठीक ठाक नहीं दिख रहे इस वक्त। आप दोनों को मिलकर कोई सॉल्यूशन लाना ज़रूरी है, क्योंकि ये रिलेशनशिप बहुत बिगड़ सकता है अगर इसको वक्त पर आप संभाले नहीं। उनको आपसे एक स्लाइटली जेलसी का एलिमेंट मुझे फील होता है कि आप शायद उनसे आगे हैं लाइफ में, बहुत सारे एरियाज में आप उनको पीछे छोड़ चुके हैं। हो सकता है स्टडीज़ की बात हो और करियर की बात हो, या आपका जो सोशल स्टैंडिंग है आपका ज़्यादा स्ट्रांग है आपके पर्सन से, और उसके वजह से शायद वो अपने आप को आपसे पीछे महसूस करते हैं और उसकी वजह से उन्होंने बहुत सारी एंगर हेट्रेट में जो बदल सकती है अगर आप वक्त पे इसे सॉल्व ना करें। आपको इगोइस्टिक मानते हैं, इनफैक्ट आपको अपने से सुपीरियर मानते हैं, और इसकी वजह से थोड़ी जेलसी का एलिमेंट भी मुझे दिखता है आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर। जिस भी तरह के हालात हैं आप दोनों के बीच में, वो ज़्यादा अच्छे मुझे आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप भी कुछ ज़्यादा कर नहीं रहे हैं इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। आप भी अपने ईगो में या अपने गुस्से में या अपनी एंगर में बैठे हैं। आप भी अपनी तरफ से कुछ नफरत उनके लिए शायद पाल कर बैठ गए हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी आप दोनों के बीच में,
लेकिन मुझे आपके पर्सन की तरफ से तो बहुत ज़्यादा एंगर दिख रहा है आपके लिए, बहुत ज़्यादा, कि वक्त रहते अगर आप कुछ करेंगे नहीं तो ये एंगर, ये गुस्सा नफ़रत में भी बदल सकती है। उसके बाद रिलेशनशिप को फिर से पहले जैसा करना मुश्किल हो सकता है। आप अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी रहते, हो सकता है उनको ऐसा लगता हो, मैं ये नहीं कह रही कि वो सही सोच रहे हैं, पर वो ऐसा सोच रहे हैं, मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप अपने ईगो में रहते हैं, आप अपनी और चीज़ों पे ज़्यादा मसरूफियत है आपकी, आप शायद सोशल स्टैंडिंग या अपने अपनी जगह पे आप उनसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। जब वो अपने आप को आपसे कंपेयर करते हैं तो उनको लगता है आप लीग में उनसे आगे रहते हैं, वो आपसे थोड़े पीछे। इसकी वजह से एक स्लाइट जेलसी का एलिमेंट भी मुझे इस रीडिंग में नज़र आ रहा है। वाइब्स बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। पाइल वन, आप कुछ करिए, उनसे बैठ के बात कीजिए, अगर आपको लगता है आप करना चाहते हैं तो, अगर आपको नहीं लगता है तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन अगर रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनके गुस्से को थोड़ा शांत करिए, आप उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग या जेलसी को भी थोड़ा इरोड करने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा जेलसी और एंगर का कॉम्बिनेशन आगे जाके हेट्रेड का रूप ले सकता है। कहीं ना कहीं वो मन में ये सोचते हैं आपको सबक मिलना चाहिए, आपने जो उनके साथ किया आपको उसके लिए सबक कुदरत सिखाएगी या वक्त सिखाएगा, कुछ ऐसी फीलिंग्स उनके दिल में आपको लेकर आ चुकी हैं। ये अच्छी बात नहीं है, प्यार भरे रिलेशन में एक दूसरे के लिए ऐसा सोचना ये सही बात नहीं है। तो जो मुझे दिख रहा है मैंने आपको बता दिया, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, आपके पर्सन पे डिपेंड करता है, आप कितने एफर्ट्स डालने चाहते हैं इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। फिर से मैं कहूँगी आसार अच्छे नहीं हैं, जल्दी कोई एक्शन लीजिए और इस रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कीजिए। दैट्स ऑल विद पाइल वन। हाँ, अगर आपको जोडियक्स जानने में इंटरेस्ट है तो माइनर अर्काना कार्ड्स के हिसाब से इसमें वाटर साइन का एलिमेंट है, स्ट्रॉन्ग है इनफैक्ट, और अर्थ साइन भी है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप देख सकते हैं मेजर अरकाना कार्ड्स बहुत आए हैं आपकी रीडिंग में, तो ये सिचुएशन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी नहीं रहेगी अगर इसे आप अभी नहीं संभालेंगे तो। पाइल वन, आपका रीडिंग हुआ कंप्लीट। अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए जो हो सकता है कीजिए, अगर आप इसे बचाना चाहते हैं तो। बेहतर आप जानते हैं आपको क्या करना है इस रिलेशनशिप के साथ, मैं तो आपको बस एक सजेशन ही, एडवाइस ही दे सकती हूँ। फ्रेंड्स, अब टर्न है पाइल टू गोल्डन ब्रेसलेट। आइए देखते हैं आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर किस तरह के इमोशंस हैं इस वक्त। एंगर है, लव है, हेट्रेड है, जो भी है वो तो कार्ड्स खुलने पर पता चल जाएगा। पाइल टू गोल्डन ब्रेसलेट, आइए देखते हैं। प्यार तो है आपके पर्सन को, टू ऑफ कप्स आया है, इमोशंस तो काफ़ी अच्छे तगड़े दिख रहे हैं। आपके पर्सन को आपको लेकर प्यार भी बहुत है, लेकिन उनको आपसे एक चीज़ का बहुत ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन ये गुस्सा ही है, ये नफ़रत में कभी नहीं बदलेगा। गुस्सा बहुत तेज़ है कि आप उनको ऐसा कुछ लग रहा है कि आप उनके रहते और चीज़ों को या और रिलेशनशिप्स को देख रहे हैं। हो सकता है आपके पेरेंट्स की वजह से आप ऐसा कर रहे हो, आपके पेरेंट्स के फोर्स करने की वजह से आप ये सब कर रहे हो, और उनको इस बात का बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि आप दूसरे ऑप्शंस को देख रहे हैं उनके रहते। वो चाहते हैं आप खुल के अपनी फैमिली में उनको लेकर बातचीत करें, और ये स्पेशली अनमैरिड मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगी ये वाली पाइल, कि जो अनमैरिड व्यूअर्स हैं उनमें अगर आप अपने पेरेंट्स के कहने पे अपने फैमिली के फोर्स करने की वजह से आप दूसरे ऑप्शंस देख रहे हैं, उस बात का आपके पर्सन को बहुत गुस्सा है। प्यार आपको भी उनसे, उनको भी आपसे, लेकिन शायद आप अपने फैमिली के प्रेशर में हैं और आप अपने घर में खुलकर उनके बारे में बता नहीं रहे, इस बात का उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा है। लेकिन आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, और ये प्यार और गुस्सा है, यहाँ हेटरेट की मुझे कोई फीलिंग नहीं दिख रही, लेकिन सीवियर एंगर मुझे दिख रही है। बहुत ज़बरदस्त गुस्सा है आपके पर्सन को, वो चाहते हैं आप फटाफट अपने फैमिली वालों से खुलकर उनके बारे में बातचीत करें, और ये जो ऑप्शंस देखते जा रहे हैं अपनी फैमिली के प्रेशर में, ये आप ना करें। हो सकता है उन्होंने आपके बारे में बहुत कुछ बता दिया है अपनी फैमिली में, शायद उनकी फैमिली रेडी भी है आपके लिए, लेकिन आपकी फैमिली में थोड़े इश्यूज़ है आपके पर्सन को लेकर,
और उसकी वजह से आप कभी कभी शायद आपको ऐसा प्रिटेंड करना पड़ता है कि आप उनको अवॉइड कर रहे हैं, उनको निग्लेक्ट कर रहे हैं अपनी फैमिली के प्रेशर में, जिसकी वजह से उनको बहुत हर्ट हो रहा है। वो चाहते हैं ये व्हील जो है, ये साइकिल जो है फटाफट कंप्लीट हो जाए और आपका उनका रिलेशनशिप में जो इस तरह की दुविधाएं इस वक्त आ रही है वो सारी ख़त्म हो जाए, ऐसा वो चाहते हैं। लेकिन उनको ये लगता है इसके लिए वो कुछ नहीं कर सकते, जो भी करना है इस वक्त आपको ही करना पड़ेगा, उनके बस में इस वक्त कुछ भी नहीं है आपके पर्सन के। तो जितनी भी एक्सपेक्टेशन है आपके पर्सन को आपसे है, या तो आप खुलकर उनसे बात नहीं कर रहे, आप उनसे मिल नहीं रहे, अपनी फैमिली के प्रेशर में हैं और अपनी फैमिली के दबाव में आप शायद और प्रपोजल्स को कंसीडर कर रहे हैं। आप तो शायद ये दिखावा ही कर रहे होंगे अपनी फैमिली के सामने, ये तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आपके पर्सन इस बात से इनसिक्योर हो रहे हैं, वो घबरा रहे हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उनको या तो तसल्ली दें कि आप ये सब अपनी फैमिली को इस वक्त पीसफुल रखने के लिए, अपने फैमिली के एनवायरनमेंट को पीसफुल रखने के लिए ये सब कर रहे हैं, आपके दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो तरस आ रहा है आपके पर्सन पे कि इतना प्यार होने के बावजूद आप दोनों के रिलेशनशिप में इतना इम्बैलेंस क्यों आ रहा है। उनकी नज़र में आपको ही कोई स्टेप लेना पड़ेगा, उनसे तो जो बन पड़ता है उन्होंने किया है, अब आपको ही कुछ चक्कर चलाना पड़ेगा, आपको ही कुछ करना पड़ेगा कि ये जो डिस्टर्बेंसेस आप दोनों के रिलेशनशिप में, उसको कोई सॉल्यूशन मिले। अपनी फैमिली के प्रेशर को थोड़ा आप अवॉइड करें, उनसे बातचीत करें, या तो उनसे ये कहें कि आपका जब दिल करेगा प्रपोजल्स के लिए ये सब, तब आप उनसे बात कर लेंगे, फिलहाल आपको प्रपोजल्स ना दिखाएं। इस तरह से आपको टाइम मिल सकता है अपने पर्सन से काफ़ी कुछ सॉल्यूशन लाने के लिए, और अपनी फैमिली को भी मना कीजिए कि आपको इतने प्रपोजल्स ना दिखाएं, इससे आपकी फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं उनके ये करने से। आप उनके प्रेशर में ये सब कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये तो सोचते ही होंगे, क्या पता कोई अच्छा प्रपोजल आ ही जाए और आपका दिल बदल गया तो क्या होगा, ये डर उनको लगता है। ज़्यादातर केसेस में मुझे यही दिख रहा है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है कई बातें रिजोनेट ना हो, लेकिन ज़्यादातर केसेस में मुझे ये वाली सिचुएशन फील हो रही है कि आप अपनी फैमिली के प्रेशर में अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे हैं, निग्लेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके इंटेंशंस गलत नहीं है, आप अपनी फैमिली के दबाव में कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको कुछ ना कुछ स्टेप लेना ही पड़ेगा। उनके बारे में भी सोचिए, वो कितने घबराए हुए हैं, कितने डरे हुए हैं, तो उनका प्यार तो बहुत ज़्यादा है आपके लिए, लेकिन इनसिक्योरिटी भी उतनी ही है इस वक्त रिलेशनशिप में। तो फ्रेंड्स, दोनों ही पाइल्स का रीडिंग हुआ कंप्लीट, ऑल द बेस्ट टू यू, आप दोनों का प्यार हमेशा बना रहे, यही मेरी दुआ है भगवान से, ईश्वर से, रब से, अल्लाह से, मालिक से। ऑल द बेस्ट टू यू, लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड आरजे मथुरा, बाय बाय।